केंद्रीय अंतरिक्ष विभाग एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ एक समझौता पत्र पर हस्ताक्षर करेगा, जिससे सुरक्षित विमान यात्रा में स्पेस टेक्नोलॉजी मददगार साबित होगी। अंतरिक्ष विभाग के राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने डीडी न्यूज के साथ खास बातचीत में इस बात की जानकारी दी। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह बातचीत के लिए मौजूद हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ आप एमओयू साइन करने जा रहे हैं, क्या स्पेस टेक्नोलॉजी के माध्यम से कैसे सुरक्षित यात्रा जो है वो मुसाफिर कर सकेंगे? हमने दो हवाई अड्डे बेगमपट हैदराबाद और पोर्ट ब्लेयर को पायलट स्टडी के रूप में अपनाया है। किस प्रकार का एयरपोर्ट में एयर स्ट्रिप हो, उसका लेवल क्या हो, एक निश्चित वैज्ञानिक मापदंड के आधार पर तभी संभव है जब सैटेलाइट इमेजिंग और स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाए। इसके अतिरिक्त हवाई अड्डे के आगे पीछे कितनी जगह खाली छोड़नी है, इससे ना केवल हवाई यात्रा सुरक्षित होगी बल्कि हवाई यात्रा और अधिक वैज्ञानिक मापदंडों के आधार पर आएगी। फसल बीमा योजना या क्रॉप जो है उसके साथ भी आपका जुड़ाव जो है वो बढ़ता जा रहा है, तो किसान कैसे अपने फसलों के बारे में जानकारी हासिल कर सकें? जो सॉइल टेस्टिंग में हमारा भूमिका रहेगी कि सॉइल का यदि सैंपल लेना है तो भूमि के किस हिस्से से लेना है, वैसे तो रैंडम लिया जाता था, अब वो सैटेलाइट इमेजिंग के द्वारा उसे निर्धारित किया जा सकता है। और यदि कोई ऐसी संभावना है फसल को नुकसान होने की, तो उसकी भी लगभग अनुमान लगाया जा सकता है पहले से ही, जिससे कि इंश्योरेंस इत्यादि के कार्यों में भी लाभ रहेगा। स्पेस मंत्रालय किस तरीके से जियो टैग के माध्यम से लोगों तक चिट्ठियां सुरक्षित पहुंचाएगा, क्या है जियो टैग? जियो टैग की के प्रावधान के अंतर्गत ये सुनिश्चित किया जा सकेगा कि लोकेशन क्या है पार्सल की, मान लीजिए, और जो मॉनिटरिंग की जा रही होगी किसी भी डाकखाने में या डाकघर में, वहाँ पर उसकी सूचना उपलब्ध होगी। और इससे ना केवल उसकी समय सीमा तय की जा सकेगी बल्कि ये भी लगभग अनुमान लगाया जा सकेगा कि ये अपने निर्धारित स्थान पर या डेस्टिनेशन पर पार्सल कब पहुंचता है। अब चिट्ठियों के लिए महीनों तक लोगों को इंतज़ार नहीं करना होगा और लोगों को ये पहले जानकारी मिल जाएगी कि उनकी चिट्ठी या उनका पार्सल कब और कहाँ अपने नियत समय तक पहुँच जाएगा। कैमरामैन जयशंकर और अपने सहयोगी सुधाकर दास के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज़, दिल्ली।